गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज यानी झूलते हुए पुल के गिरने से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और काफी ज्यादा घायल हैं। इस झूलते हुए पुल के रखरखाव पर काफी पैसा हर साल खर्च होता है, लेकिन उसके बाद भी ये पुल लोगों की जिंदगियां लील गया। ये पुल एक सदी से भी ज्यादा पुराना है। कितना खास है ये पुल और इसका क्या है इतिहास, आपको बताते हैं। नमस्ते, मैं रमन हूं और आप हैं मंच पर। मोरबी में मच्छू नदी पर बने इस पुल का शिलान्यास 20 फरवरी 1879 को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर रिचर्ड टेंपल ने किया था। 1880 में ये पुल करीब 3.5 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था। पुल बनाने के लिए सारा सामान इंग्लैंड से मंगवाया गया था। ये मोरबी के राजा सर वागजी ठाकुर की रियासत के दौरान बना था। पुल 1.25 मीटर चौड़ा और 233 मीटर लंबा था और दरबारगढ़ महल और लखधीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज को जोड़ने का काम करता था। लखधीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज की जगह पहले वागजी ठाकुर का नजरबाग महल हुआ करता था। ये वैसा ही पुल है जैसा उत्तराखंड में गंगा नदी पर बना राम और लक्ष्मण झूला है। ये भारत के सबसे पुराने पुलों में से एक था, इसलिए टूरिस्ट प्लेस बन चुका था। इस पुल पर जाने के लिए 17 रुपए की फीस लगती थी। मोरबी राजकोट से 64 किलोमीटर दूर है। मोरबी के इतिहास में 43 साल बाद ये दूसरा बड़ा हादसा है। इससे पहले 1979 में 11 अगस्त को मच्छू नदी पर बना डैम टूटने की वजह से बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 2000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद पिछले कई सालों से समय समय पर इसकी मरम्मत होती थी। ये पुल पिछले 6 महीने से मरम्मत की वजह से लोगों के लिए बंद था। इस दौरान पुल की मरम्मत पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च हुए। ब्रिज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ओरेवा ग्रुप के पास है। इस ग्रुप ने मार्च 2022 से मार्च 2037 यानी 15 साल के लिए मोरबी नगर पालिका के साथ एक समझौता किया है। ग्रुप के पास ब्रिज की सुरक्षा, सफाई, रखरखाव, टोल वसूलने, स्टाफ के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। हालांकि अभी इस ब्रिज का फिटनेस सर्टिफिकेट और सरकार की 3 एजेंसियों से जांच होना बाकी थी, फिर भी 25 अक्टूबर से इसे लोगों के लिए खोल दिया गया था। वहीं निगम के अधिकारियों ने बताया कि ब्रिज की क्षमता करीब 100 लोगों की है, लेकिन रविवार की छुट्टी और छठ पर्व होने के चलते हादसे के वक्त ब्रिज पर 400 से 500 लोग जमा थे। इसी के चलते ब्रिज बीच से टूट गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ब्रिज की क्षमता 100 लोगों की थी तो टिकट लगातार क्यों बेची जाती रही। वहीं ब्रिज की मरम्मत करने वाली ओरेवा कंपनी और अन्य जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। फिलहाल इस हादसे के बाद भ्रष्टाचार और लापरवाही पर बहस फिर से छिड़ गई है। गुजरात में सिर पर चुनाव है, ऐसे में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन इन सबके बीच करीब 150 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इनकी मौत के मुजरिम अभी तलाशे जाने हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।